हेलो फ्रेंड्स, बेबी सेंट्रिक चैनल मॉम इन इंडिया में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूजा, आपके सामने एक बार फिर से नई जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले याद दिला दूं कि अगर आपके बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं तो उन्हें रोजाना विटामिन डी का डोज देना ना भूले, और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को किन्हीं भी 3 महीनों में आयरन का डोज देना भी ना भूले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो बच्चे होते हैं उनका जो वाटर बॉटल होता है, या जो बच्चे फॉर्मुला फीड लेते हैं उनका जो मिल्क बॉटल होता है, वो किस तरीके से साफ करना चाहिए, किस तरीके से स्टेरिलाइज करना चाहिए, जिससे कि बच्चों की जो है वो क्लीन रहे और बच्चों को फीड करते समय या पानी पीते समय किसी भी तरीके के कोई भी इंफेक्शन का खतरा न रहे। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बच्चों की बॉटल को वॉश करने के लिए बच्चों की बॉटल में गर्म पानी यहाँ तक भरते हैं और उन्हें ऐसे ऐसे करके रिंस कर लेते हैं, खंगालने लगते हैं और सोचते हैं कि बच्चे की बॉटल जो है वो क्लीन हो गई है। तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे की बॉटल को डीप क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बच्चे की बॉटल को अंदर से अच्छे से क्लीन करना ब्रश से बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चे की बॉटल को आप हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार डीप क्लीन जरूर करें, स्टेरिलाइज जरूर करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए ये प्रोसेस जानते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से बच्चों की बॉटल को स्टेरिलाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हर 2 से 3 दिन में अपने बच्चे की बॉटल को अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ, स्टेरिलाइज कर लेती हूँ। और इसके लिए सबसे पहले बच्चे की बॉटल को वॉश करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बच्चे की बॉटल से सारे के सारे जो पार्ट है उन्हें अलग कर लेती हूँ। इसके बाद बॉटल में डालिए गर्म पानी। बॉटल में कितना गर्म पानी डालना है जो कि बच्चे की बॉटल को नुकसान ना दे, यानी कि कितना टेम्परेचर तक पानी जो है बच्चे की बॉटल में गर्म पानी डालना चाहिए, ये बॉटल में लिखा होता है। तो उसी टेम्परेचर के हिसाब से आप अपने बच्चे की बॉटल में गर्म पानी से वॉश करिए। इसके लिए यहाँ पर ये ब्रश जो कि बॉटल साफ करने के लिए होता है, ये ब्रश मैं यूज करने वाली हूँ। और ये ब्रश स्पेसिफिकली मैं बच्चे की बॉटल क्लीन करने के लिए ही यूज करती हूँ। तो इस तरीके से बच्चे की बॉटल को अच्छे से अंदर से क्लीन कर लीजिए। को क्लीन करने के लिए आप विम लिक्विड का यूज भी कर सकते हैं और कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट आप यूज कर सकते हैं, विम बार यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा विम बार मैं यहाँ पर इसमें यूज करने वाली हूँ। तो इस तरीके से विम बार को मैंने इसमें डाल दिया है और फिर से मैं इसे ब्रश से अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि बच्चे की बॉटल को इस तरीके से क्लीन करना चाहिए। बहुत दिनों तक एक ही बॉटल को यूज कर रहे हैं, अगर आप उसे क्लीन नहीं करते तो अंदर से उसमें पानी जम जाता है कि उसमें बहुत ही गंदा सा एक लेयर बना देती है, वही होती है बीमारियों की जड़। तो इसलिए जो है अपनी जो पानी पीने की बॉटल होती है जिसे आप फ्रिज में रखते हैं, बच्चों की स्कूल की बॉटल होती है, घर में पानी पीने की बॉटल होती है, उन्हें इसी तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए। तो ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसके अंदर जो कि गंदगी थी वो जो है ब्रश से अच्छे से क्लीन हो गई है। अब इसकी जो अंदर की वॉल्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं और गर्म पानी से मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो अब मैं इसे वॉश कर लेती हूँ ठंडे पानी। इसके बाद सेकेंड स्टेप जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे की बॉटल स्टेरिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये पानी उबलने लग गया है तो यहाँ पर मैं ये बॉटल जो मैंने अभी अच्छे से वॉश की थी इसे मैं यहाँ पे स्टेरिलाइज करने के लिए डाल देती हूँ। तो इसके सारे पार्ट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये बॉटल को मैंने यहाँ पे स्टेरिलाइज करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जैसे ही पानी अच्छे से उबलने लगेगा तो बॉटल भी स्टेरिलाइज होने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिए कि बच्चों के लिए जो बॉटल आप यूज कर रहे हों वो BPA फ्री होनी चाहिए 100%। और साथ ही जो है अच्छी क्वालिटी की बॉटल आपको बच्चों के लिए यूज करनी चाहिए। प्लास्टिक जिनका बेहद ही खराब होता है, निप्पल जिनके खराब हो जाते हैं, तो ब्रांडेड अच्छी बॉटल्स ही यूज करें ताकि उसका जो निप्पल है वो भी स्टेरिलाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। खराब प्लास्टिक आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है और जैसा आप इसमें पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, तो इसका जो प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे की बॉडी पर इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी की बॉटल ही यूज करिए। और एक चीज का और ध्यान रखिए कि जब भी आप बॉटल को अच्छे से स्टेरिलाइज कर लें तो उसके बाद बॉटल को अच्छे से सूखने दें, बॉटल को गीली ना रखें क्योंकि गीली जो बॉटल होती है उसमें बैक्टीरिया होने का खतरा बन जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, जो बॉटल में दूध होता है बच्चे के, उसे दोबारा अगर काफी टाइम हो गया तो दोबारा बच्चे को ना पिलाएं, उस दूध को फेंक देना चाहिए।
और कभी जैसा होता है कि बच्चे की जो बॉटल्स वगैरह होती है वो नीचे गिर जाती है या बच्चा फेंक देता है, तो उस टाइम पे भी बच्चे की जो बॉटल होती है वो अंदर से तो साफ होती है लेकिन जो उसका निप्पल होता है वो कहीं ना कहीं गंदा हो जाता है। तो आप बच्चे की बॉटल का निप्पल जरूर क्लीन कर लें या फिर बच्चे की बॉटल का जो निप्पल है उसे चेंज कर लें। तो ये जैसा आप देख सकते हैं ये अच्छे से पानी खौलने लग गया है, तो मैं अब गैस स्टोव को कर लेती हूँ बंद और बॉटल को मैं इसमें 5 से 7 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स एटलीस्ट 10 मिनट रखने के बाद मैं इस बॉटल को निकाल लूंगी और बॉटल को अच्छे से सुखा लूंगी और उसी के बाद मैं इसे यूज करूंगी। तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसीजर कि किस तरीके से मैं अपने बच्चे की बॉटल को स्टेराइज करती हूँ, किस तरीके से क्लीन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल मॉम इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय विद योर लव्ड वंस। बाय बाय।